Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2. Rational numbers. Exercise 2A on book page number 22. And question number 8 of exercise 2A. तो देखें अब question number 8 में क्या कहा गया है. Represent the following rational numbers on number line. कि आपके पास जो rational numbers given है उनको number line पे represent करें. तो देखें अब rational numbers को number line पे कैसे represent करेंगे. Part 1 है -11/4. अब हमने -11/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले हम जो है वो एक लाइन लगाते हैं. उस लाइन का मिड पॉइंट 0 होता है और उस लाइन की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. जैसे देखें अब पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 और नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3 एंड -4. सबसे पहले हम 11/4 ये जो हमारे पास गिवन है अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म से चेंज करते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा -2.75. ये तो हमें पता है कि ये अब नेगेटिव नंबर है तो इट्स मीन ये लेफ्ट साइड पे शो होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे शो होते हैं. अब -11/4 को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है हमारे पास डेसिमल फॉर्म में वो है -2.75. इट्स मीन कि हमने यहाँ पे -2 के बाद -2.75 तो -2 के बाद जो है वो हमने इसको करना है. अब -2 हमने इन सारे नंबर्स को जो है वो इक्वल लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. जैसे देखें 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 0 जो है वो फिर आगे हमारे पास 1 होगा, ठीक है. ये चार इक्वल सेगमेंट्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है. अब यहाँ पे देखें -2.75 है तो यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -2.25, देन -2.5 और देन यहाँ पे -2.75 होगा. तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे इसको शो कर देंगे -11/4 जहाँ पे हमारे पास -2.75 आ रहा है वहाँ पे हम इस रैशनल नंबर -11/4 को रिप्रेजेंट करेंगे. अब नेक्स्ट है नंबर 2. नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर है वो है -2. अब हमने -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सेम मेथड, सबसे पहले हम एक नंबर जो है नंबर लाइन ड्रा करेंगे. उस नंबर लाइन का मिड पॉइंट जो है वो 0 होगा और उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. अब यहाँ पे भी वही 4 इक्वल पार्ट्स में हर नंबर को जो है वो डिवाइड किया गया है, हर सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में. जैसे यहाँ से देखें 0, 0.25, 0.5, 0.75, then 1. इसी तरह फिर 1.25, 1.5, 1.75 एंड 2 होगा, ठीक है. अब ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है -2 तो ये लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे -2 यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे इसको -2 की जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. पार्ट नंबर 3 में जो रैशनल नंबर है वो है 2/5, ठीक है, 2/5. सॉल्यूशन में सेम ऐसे ही करना है. एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसका मिड पॉइंट 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स
और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। और इसी तरह हमने वही स्टेप किया है कि हर नंबर को हमने फोर इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। देखें 1, 2, 3 एंड 4, हर सेगमेंट को हमने फोर इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 5 है, इट्स मीन हमें 5 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए। तो अगर हम 2/5 को सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे पास आंसर आता है 0.4, ठीक है, 0.4। अब ये ज़ीरो है, 0.4 इट्स मीन इस साइड पे होगा, तो 0.25, यहाँ पे 0.5 है, फिर 0.75, देन 1। अब ये 0.4 बन रहा है, इट्स मीन 0.5 से पीछे होगा, ठीक है, इट्स मीन 0.5 से पीछे होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको 0.5 से थोड़ा सा पीछे शो किया गया है। और डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में मीनिंग 2.2/5 जो है वो यहाँ पे शो हुआ है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो ये अच्छा मेथड है कि आप सबसे पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसके बाद इजीली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -3/5। -3/5 को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा की जाएगी जिसका मिड पॉइंट 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव नंबर है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, इट्स मीन ये नेगेटिव नंबर होगा, तो -3/5 इट्स मीन ये लेफ्ट साइड पे शो होगा। तो जब हम -3/5 को सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, तो आंसर आएगा हमारे पास -0.6। अब ये माइनस है तो लेफ्ट साइड पे शो करेंगे, तो 0 से लेफ्ट साइड पे देखते हैं 0, -0.25, -0.5, -0.75 और -1। अब ये -0.6 के इक्वल है, तो इट्स मीन -5 से जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे -5 के साथ ये हमने -0.6 मीन्स ये -3/5 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स थे जिनमें हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 9, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। कि क्या ये दोनों, एक है -2/3 और द सेकेंड वन है 2/-3, ये दोनों रैशनल नंबर्स जो है उनका एक ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है, क्या ये जो इनके साइन चेंज है तो वो एक ही नेगेटिव रैशनल नंबर बनता है? सॉल्यूशन, यस, जी हाँ, -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। ये -2/3 एंड 2/-3 जो है वो दोनों सेम नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज क्योंकि -2/3 एंड 2/-3 इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -2/3। मीन्स के अगर माइनस साइन नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है, इट्स मीन वो दोनों के साथ है। अब यहाँ पे नोमिनेटर में है तो दोनों के साथ कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो तब भी दोनों के साथ कंसीडर किया जाएगा, तो इसलिए दोनों किसके इक्वल होते हैं, -2/3 के, ठीक है, कि -2 के साथ भी है और -3 के साथ भी है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ सॉल्व करते हैं, इसलिए -2/3 और 2/-3 दोनों एक यानी सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2A जो है वो हमारी इसके लेक्चर के साथ इस में जो है वो एंड हो गई है।
नेक्स्ट आपके बुक के पेज नंबर 23 पे टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म का, कि हम रैशनल नंबर को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है इसकी। वी नो डैट एवरी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हर फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? बाय डिवाइडिंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कि हम जो है हर फ्रैक्शन को उनकी लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कि उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि HCF से डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उनका होता है उससे उनको डिवाइड किया जाता है। द सेम कैन बी डन फॉर रैशनल नंबर्स। इसी तरह यही प्रोसेस जो है वो रैशनल नंबर्स के लिए भी होता है। जो प्रोसेस फ्रैक्शंस के लिए होगा वही प्रोसेस रैशनल नंबर्स के लिए भी होता है। वन कैन एक्सप्रेस अ रैशनल नंबर इन सच अ फॉर्म डैट इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। ठीक है, और लेकिन रैशनल नंबर में एक ये फॉर्म होगी कि अगर आपके पास नोमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से भी कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर को भी आपने पॉजिटिव रैशनल नंबर में चेंज करना होगा, तब जाके आपके पास उसके स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 6/-8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है लेकिन रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमने फाइंड करनी हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब 6 और 8 है तो सबसे पहले हम 6 और 8 दोनों का HCF देखते हैं कि क्या है। तो 6 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है और 8 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट अगर नंबर 3 देखें तो 6 जो है वो नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 8 जो है वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। इट्स मीन 3 इन दोनों का HCF नहीं है। 4 भी, अब नंबर 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है लेकिन नंबर 6 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल है तो इट्स मीन इनका HCF क्या होगा? 2। तो फिर हम 6 को भी डिवाइड करेंगे 2 से और -8 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और -8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -4। अब ये 3/-4 है तो अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कंडीशन हमने अभी डिस्कस की है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस नेगेटिव डिनोमिनेटर मींस -4 को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस तो -3 होगा। तो 4 1s are 4 और माइनस माइनस प्लस तो -3/4। तो अब ये डिनोमिनेटर -4 जो है +4 में चेंज हो गया। तो अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है -3/4। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी? 6/-8 ही। ऑब्जर्व डैट द रैशनल नंबर -3/4 इज सच दैट इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइजर। अब नेक्स्ट ये क्या करना है? ऑब्जर्व डैट, ठीक है, ये ऑब्जर्व करें कि रैशनल नंबर जो हमने अभी फाइंड किया है -3/4 इज सच दैट वो एक ऐसा नंबर है इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, ना 3 का, 3 और 4 दोनों का कॉमन डिवाइजर इसके बाद जस्ट 1 ही है। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव, और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अ रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर को
इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। एक के आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए उस नंबर की कि उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का वन के अलावा और कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, और दूसरी बात यह है कि उस नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो तो वो उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म खिलाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, एक्सप्रेस माइनस सॉरी 16 ओवर माइनस 56 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, कि 16 ओवर माइनस 56 को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो सॉल्यूशन देखें, अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया गया है। द डिनोमिनेटर ऑफ 16 ओवर माइनस 56 इज नेगेटिव, के 16 ओवर माइनस 56 का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, माइनस 56 है तो ये नेगेटिव है। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस 1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट, फिर हमारे पास क्या होगा, 16 ओवर माइनस 56 है। जब 16 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वन्स आर 16 और प्लस माइनस 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 16 होगा, और जब माइनस 56 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 वन्स आर 56 एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 16 ओवर 56 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। अब इसकी एक कंडीशन जो है वो हमने सॉल्व कर ली, केस का डिनोमिनेटर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नाउ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 16 एंड 56 इज 8। अब नेक्स्ट ये है कि इन दोनों नंबर्स का, 16 का और 56 का कॉमन डिवाइजर मीन HCF जो है वो 8 है। डिवाइडिंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8, तो हम इसलिए इस नंबर के नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 8 से डिवाइड करेंगे। देन वी गेट माइनस 16 ओवर 56 इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 ओवर 56 डिवाइडेड बाय 8, और जब माइनस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2, और 56 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 7। ठीक है, तो अब माइनस 2 ओवर 7 आ गया। अब माइनस 2 ओवर 7 इन दोनों के जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनका कॉमन डिवाइजर 1 है, 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, तो इट्स मीन ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 16 ओवर माइनस 56 की। तो माइनस 2 ओवर 7 विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 16 ओवर माइनस 56, तो माइनस 2 ओवर 7 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है 16 ओवर माइनस 56 की। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दो कंडीशन है, एक तो आपके पास जो रैशनल नंबर गिवन हो उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन डिवाइजर चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर मींस एचसीएफ कौन सा है, एचसीएफ से उसको डिवाइड करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा। अगर वो दोबारा जो है उनका कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो आप उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास अगर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे ही है ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे उनके ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, कि रैशनल नंबर्स को की ऑर्डरिंग कैसे होती है, उनको हम कैसे ऑर्डर में शो कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द नंबर 9, कि रैशनल नंबर को हम उनके मैग्नीट्यूड
ठीक है, मैग्नीट्यूड के उनकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड जो है वो उस नंबर की वैल्यू कहलाती है, उसके वैल्यू के ऑर्डर के हिसाब से हम उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर सकते हैं। एग्जांपल है इसके लिए नंबर 5, अरेंज 6/7, 4, 2.45, -3/1/2, 0, -1.32 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इन सारे रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। तो असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो स्टार्ट में जो है वो सबसे छोटे वाले नंबर से स्टार्ट होगा और एंड जो है वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू पे होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। तो नंबर लाइन का मिड पॉइंट 0, नंबर लाइन की राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे सबसे छोटे वाला जो हमारे पास नंबर है वो है -3/1/2, ठीक है, क्योंकि हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3 point something आएगा। तो सबसे छोटे वाला नंबर ये हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू इतनी ही कम होती है। तो अब यहाँ पे -3 ये -3/1/2 ये जो है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो -3 ये है, तो -3 के साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन -3/1/2 यानी कि -3.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नेगेटिव नंबर है -1.22, तो इट्स मीन कि यहाँ पे -1 है, तो -1 के बाद इसके बाद ये वाला नंबर बड़ा होगा, इस नंबर के बाद ये वाला नंबर बड़ा है इससे। तो -1 के साथ -1.25 यहाँ होता है, तो -1.22 इसको हमने यहाँ पे शो कर लिया। इसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 है, तो 0 जहाँ पे होगा हम उसको इधर शो कर देंगे। नेक्स्ट है 6/7, तो 6/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 0.8 something, ठीक है, 0.8 something। तो यहाँ पे देखें 0.8 होगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पे 1 से पहले 0.8 होगा, 0.9 और फिर 1 होगा, तो इधर ही हमने 6/7 को शो कर लिया। नेक्स्ट है 2.45, ये पॉजिटिव नंबर है, तो 2 हमारे पास ये है 2.45, इट्स मीन 2.5 से थोड़ा सा लेस है ये 2.4, तो यहाँ पे हमारे पास 2.45 होगा, इसको हमने यहाँ पे शो कर लिया। और नेक्स्ट द लास्ट डिजिट इज 4, तो 4 इसमें सबसे बड़ा होगा। तो इसमें नंबर लाइन के जरिए हमने इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। The numbers in ascending order are, ये numbers ascending order में कैसे होंगे, -3/1/2, -1.22, 0, then 6/7, 2.45 and 4. तो ये है rearranging of rational numbers in ascending and descending order by using number line. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, ये हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।